हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपके इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो ये उस सीरीज का तीसरा वीडियो है। जो दोस्त वो दो वीडियो ना देखा हो तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये दोस्तों, मेरा नाम है सूरज आर्य और आप देख रहे हैं डिप्लोमा स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है समाकलन sec स्क्वायर एक्स अपान में 3 + 4 tan x। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, आपको बताना चाहूँगा कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस सीरीज में उसको आप नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का जो सीरीज का जो क्वेश्चन है, जो लेक्चर है, वो सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे है। तो आपको सब क्वेश्चन नोट करते हुए चलना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है इसमें कि टी मानना है इसमें है? अब मानेंगे कौन सा? देखो, अधिकतर मानते हैं हम नीचे वाला फंक्शन। नीचे वाला फंक्शन हम जैसे टेन को मानेंगे तो हमारा उसका आकलन करना पड़ता है। मानने के बाद टेन को मानेंगे तो हमारा sec स्क्वायर एक्स आता है, tan x का आकलन sec स्क्वायर एक्स। तो क्या करते हैं, हम नीचे वाले को जितना है पूरा टी मान लेते हैं। अब देखो, पूरा क्यों मानते हैं? कभी कभी ये सिर्फ हम tan x को मानते हैं। tan x का मानेंगे जब यहाँ पर x दिया रहेगा, x के फंक्शन में x स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी दिया रहेगा प्लस में करके। अगर यहाँ अंक दिया है, मतलब 2 3 4 5 6, तो हम पूरा मान लेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पर x स्क्वायर या x दिया है तो हम सिर्फ tan को मानते हैं। ओके, अब यहाँ अंक दिया हुआ है तो हम पूरा मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा इसका आकलन 0 होता है। तो देखिए, इतना बराबर हम टी मान लिए जितना हर में दिया था, टी मान लिए। अब फिर इसका आकलन करते हैं, आकलन करने के बाद 0। अब इसका आकलन करते हैं तो 4 बाहर हो जाएगा और tan x का आकलन sec स्क्वायर एक्स होता है, और x का dx इक्वल टू t का dt हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं। dx का वैल्यू निकालेंगे तो इतना जो है हमारा वो सब भाग में चला जाएगा dt के, तो dt अपॉन 4 sec स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम फिर से आते हैं इस वाले फंक्शन में। क्या है? ऊपर sec स्क्वायर एक्स है, अपान में नीचे को टी माने हैं, टी मान लिए, इंटू डी एक्स के स्थान पे कितना आया है, इतना निकल के आया है, कितना रख दे रहे हैं, डी टी अपान में 4 sec² x। ओके, अब देखिए क्या होता है कि हमारा sec स्क्वायर और sec स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, नीचे बचता है हमारा 4 tan 4t। ओके, 1/4t इंटू डी टी, तो 1/4 तो हमारा बाहर हो जाएगा, लेकिन 1/t का आकलन क्या होता है, सॉरी समाकलन क्या होता है, log t, लॉग टी हो गया, और प्लस में ले लेंगे सी। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देते हैं, टी का वैल्यू जो है हमारा 3 + 4 tan x + c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ा मानना सही से है इसमें। ओके, दिमाग लगा के मानना है तो आंसर एकदम राइट आ जाएगा। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा साइन एक्स अपान में साइन एक्स माइनस ए। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन एक्स अपान में एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ए। ओके, अब क्या करते हैं कि हमें नीचे की तरह ऊपर बनाना है। ऊपर देखो कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं कि उसमें ए नहीं है, ए जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। ए हम जोड़ दिए और ए घटा दिए। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे एक्स माइनस ए कर लिए एक साथ, और फिर प्लस ए हमारा बगल कर दिए, उसके बाद नीचे वैसे ये सब। अब क्या करते हैं कि एक्स माइनस ए हम टी मान लेते हैं, एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, एक्स माइनस ए इक्वल टू टी। तो इसका अवकलन करेंगे, जब मानेंगे तो अवकलन करते हैं, हमारा एक्स का डी एक्स हो जाएगा, ए का 0 हो जाएगा, तो उस पर जुड़ जाएगा वो बराबर टी का डी टी। ओके, अब देखिए नीचे यहाँ पे हमारा क्या होगा, टी हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं इतना जो है एक्स माइनस ए है, तो उतने के स्थान में क्या लिख दिए, टी लिख दिए, और प्लस में ए है हमारा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया कि हमारा ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। आपको बताना चाहूँगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ओके, इतना होता है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पुट कर दिया, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, और वन में साइन टी दिया हुआ है। अब देखो क्या करते हैं कि अलग अलग कर लेते हैं इनको भाग में। यहाँ पर हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस ए, साइन टी इंटू कॉस ए अपान में साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस टी इंटू साइन ए, कॉस टी इंटू साइन ए अपान में साइन टी। ओके, अब देखिए साइन टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और कॉस ए जो है हमारा वो कांस्टेंट है, कॉस ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर बचा वहाँ क्या है, वन, वन का समाकलन करेंगे तो हमारा टी आ जाएगा, टी के सापेक्ष करेंगे तो टी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि कॉस टी अपान में साइन टी, कॉस टी अपान में साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी इंटू साइन ए है, साइन ए भी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर, और कॉस टी कॉट टी का समाकलन जो होता है वो होता है लॉग साइन टी, कॉस कॉट टी का समाकलन लॉग साइन टी इतना होता है, और फिर प्लस में लेंगे हम सी, सी ले लिए। तो देखो अब क्या करते हैं, टी का वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा साइन ए यहाँ पहले लिख दिए, फिर लॉग और साइन तो है, फिर टी की वैल्यू रख देते हैं, टी का कितना माने थे हम, टी बराबर एक्स माइनस ए, तो इतना हो गया, प्लस में हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए टी था तो टी के स्थान कितना हो गया, एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए, प्लस में ले लेंगे सी। ओके,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान से लगा लेना है आपको। दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ओके, यहाँ मानना है हमारा प्रतिस्थापन है, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है। तो देखिए इसमें मानना है, हम मानेंगे कौन सा, नीचे वाला, इतना एक्स इंटू ई की पावर एक्स अगर मानेंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। तो कुछ ऐसे ही मानते हैं जो अवकलन करने के बाद ऊपर वाला आ जाए या नीचे वाला आ जाए। तो देखिए हम इतना मान लिए बराबर टी। अब क्या है कि इसमें हम जानते हैं जब अवकलन होता है, जब दो पद गुणांक में होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स प्लस सेकेंड क्या है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन वन हो जाएगा हमारा, इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है कि ई के पावर सॉरी एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स वन, तो हमारे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डी एक्स बराबर डी टी। अब ई के पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो बचेगा यहाँ वन, ये वाला वन बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स और यहाँ वन, तो वन प्लस एक्स कर दिए इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा डी टी अपान में ई के पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स, इतना हो गया। अब रखते हैं हम क्वेश्चन में जितना माने थे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स वन प्लस एक्स ओके इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या माना है इसको टी माना है, यहाँ टी हो गया इंटू मल्टीप्लाई में हमारे डी एक्स के स्थान पे कितना हो जाएगा डी टी अपान में ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स, इतना हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि आंसर और हर में है वो, तो क्या होगा बचा हमारा वन अपान कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी, वन अपान कॉस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन डी प्लस सी, और टेन के स्थान पर जहाँ टी के स्थान पर हम रख देंगे एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस में सी, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है ये, और पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो हमारा है, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान में वन प्लस एक्स के पावर फोर है, यहाँ पे यहाँ भी मानना ही है, तो मानेंगे कौन सा, हम जानते हैं ऊपर वाला मानेंगे टेन इनवर्स एक्स का समाकलन का होता है, सॉरी अवकलन होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ जब यहाँ स्क्वायर, जब यहाँ स्क्वायर नहीं था तो यहाँ दो था, अगर यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ चार आ जाएगा। ओके, तो हम इतने को मानेंगे टी, ऊपर जितना हमारा दिया हुआ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब देखिए क्या हो गया कि इसको हम पहले एक्स मानते हैं, तो हमारा बन गया टेन इनवर्स एक्स, तो इतने का जब अवकलन करेंगे तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ एक्स के स्थान कितना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स नहीं है, ओके एक्स स्क्वायर है, तो उसका फिर दोबारा अवकलन करना पड़ता है गुणे में, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमारा जानते हैं, आप जानते हैं कि एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर में एन माइनस में वन, तो यहाँ दो इंटू एक्स पावर में दो माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा डी टी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स पावर चार इंटू टू एक्स, इसके पावर कितना बचा वन, तो यहाँ जब वन लिखे या नहीं लिखे बातें की, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ भी डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा भाग में आ जाएगा डी टी के, टू एक्स हो गया, अब ये हमारा क्या चला जाएगा गुणे में उसके मल्टीप्लाई में, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर सॉरी वन प्लस एक्स पावर फोर हो गया। अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन में पुट करते हैं जो माने थे सब कुछ, देखो एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या माने, टी माने, टी ले लिए इंटू, अब नीचे जितना है उतना लिख लिए, फिर डी एक्स की डी एक्स का वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा डी टी अपान में टू एक्स वन प्लस एक्स पावर में फोर, तो वन प्लस एक्स पावर में फोर तो कैंसिल, अब यहाँ एक्स से एक्स भी कैंसिल। ओके, तो बचा क्या, यहाँ पे देखिए टी बाई टू इंटू डी टी अपान में क्या, अब देखिए इसका इतना बचा तो एक बटे दो तो बाहर हो जाएगा, फिर टी का जब समाकलन करेंगे तो जानते हैं टी का, टी के पावर एन का समाकलन क्या हो जाएगा, टी के पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन, तो उसी प्रकार से वो यहाँ एक है घात में, यहाँ दो अपान में दो प्लस में सी, अब टेन और टी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वन अपान में फोर हो जाएगा, दो दोनों चार हो जाएगा, तो ये बस ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा पाँचवा है, इसको देखिए दोस्तों, ये है हमारा समाकलन सेक एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, इतना दिया हुआ। अब देखो इसमें कौन सा मानेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा तो इसको तो एक बार एक देख के बता नहीं सकते, लेकिन हल करके आपको देखना पड़ेगा। देखिए हम इसका अगर अवकलन करेंगे ना तो सेक एक्स आ जाता है, तो हम इसी को टी मानेंगे, तो इतना बराबर हम टी लेते हैं। ओके, ये सब आप जब बार बार लगाए रहेंगे क्वेश्चन तो आपको आता रहेगा।
याद रहेगा कि हमें इसको ही टी मानना है। देखिए इतना बड़ा टी मान ली, अब करते हैं इसका अवकलन। हम इसको सबसे पहले टी मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो लॉग एक्स हो गया। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, 1/x हो गया। लेकिन वो एक्स ना होके कुछ और है, तो उसका फिर हमें अवकलन करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स। अब x का dx इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम sec x कॉमन ले लिए ऊपर, sec x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा टेन एक्स, तो यहाँ सिर्फ एक sec x बचा क्योंकि एक बार हो गया। अब नीचे क्या था हमारा, इसको आगे पीछे कर दिए, तो टेन एक्स हो गया प्लस sec x, तो मल्टीप्लाई सॉरी बटे में दोनों सेम सेम है तो कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या यहाँ sec x। अब देखिए dx के बराबर हमारे यहाँ dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dt अपॉन में sec x। क्वेश्चन देखिए कितना छोटा हुआ, कितना बड़ा लग रहा था, कितना छोटा हुआ ये। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे जो हम t माने थे उसको यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए sec x इंटू t माने थे उसको, और फिर dx के स्थान पे dt अपॉन में sec x, तो sec x से sec x कैंसिल, बचा सिर्फ t इंटू dt। तो t का समाकलन आप जानते हैं, t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में ले लेंगे c, तो अपॉन में 1/2, और फिर जो हमारा t के स्थान पर क्या था, लॉग sec x प्लस टेन एक्स। अब उसका होल स्क्वायर है तो हम उसके बाहर तो होल स्क्वायर करेंगे और प्लस में सी ले लेंगे। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो कि हमारे इस सीरीज का तीसरे वीडियो में है। अगले भी आगे भी इसी तरीके से वीडियो आता रहेगा, और आपका हमें सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।